मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए जाने पर 19B सूप। तो विंटर्स राउंड द कॉर्नर है बिल्कुल, थोड़ी सूप की रेसिपी भी आपके लेकर के आएंगे। तो आज बन रहा है 19B। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसके लिए चाहिए वो है यखनी। आप सिंपली क्या करेंगे, चिकन लेंगे हड्डी के साथ और आप उसको अच्छे से बॉयल होने देंगे यहाँ तक कि जो है चिकन अपना जायका जो है पानी में छोड़ता है और कम्प्लीटली आप देखेंगे यखनी बन जाती है। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, नोर के जब कुछ चिकन के क्यूब्स मिलते हैं वो आप लेंगे तकरीबन 12 कप पानी के, उसके अंदर में आप डाल देंगे 4 जो है उसके क्यूब्स चिकन के, ठीक है, और उसको आप डिसॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर ये इससे आपकी स्टॉक बन जाती है। तो आपको दोनों चीज़ें बता दी। उसके बाद आपने इसमें जो डालना है वो है कॉर्नफ्लावर। मैं ऑलरेडी यहाँ पर पानी में मिक्स करके मैंने रखा हुआ है, आप इसको अपने अंदाज़े से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि डिपेंड्स कि आप कौन सी ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ब्रांड है आपको ज़्यादा पाउडर इस्तेमाल करना पड़ता है सूप को गाढ़ा करने के लिए, और कुछ ऐसी ब्रांड्स है कि 1 या 2 टेबलस्पून में भी हो जाता है। मैं यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर कर, यानी कि देख लीजिए ये टेबलस्पून है, इसको मैंने हीप्ड इस्तेमाल किया है और पानी के साथ मिक्स कर यहाँ पर रख दिया। चिकन जाएगा बीच में, बोनलेस चिकन आपको चाहिए 1 कप जितना, मेजरिंग कप में आप इसको करेंगे और इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर वो है, आपने इसको इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लेना है। ये हो गया। उसके बाद आपको चाहिए प्रॉन्स श्रिम्प्स, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करेंगे, वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप, क्योंकि हमारे घर में दोनों चीज़ें चिकन और सी फूड पसंद किया जाता है। अगर आपको इशू है तो सिर्फ चिकन में बना लें, प्रॉन्स ना इस्तेमाल करें। अगर आपको प्रॉन्स पसंद हैं और चिकन नहीं तो सिर्फ आप सी फूड में बना सकते, दैट्स योर चॉइस बेसिकली, लेकिन ये दोनों इसकी कॉम्बिनेशन होती है। तो 1 कप ये ईच मेजर्ड है। यहाँ पर गाजर आपको चाहिए बहुत बारीक, आप इसे काटेंगे, दैट्स अ कैरेट, तो ये आपको चाहिए इसके लिए 1/2 कप। बंद गोभी यानी कि कैबेज जो होती है वो आपको चाहिए इसके लिए 1 कप भर कर, देख लें कितना बारीक इसको आपने श्रेड करना है, बारीक बारीक चॉप कीजिएगा। उसके बाद आपको चाहिए मशरूम्स। ट्रेडिशनली जो इस रेसिपी में वो ब्लैक मशरूम इस्तेमाल होते हैं वो मेरे पास नहीं थे, तो मैं यहाँ पर कैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 285 ग्राम का एक कैन था, इसका सारा पानी डिस्कार्ड किया और इसे बिल्कुल छोटा छोटा पीसेस में चॉप कर लिया। ग्रीन अनियन आपको चाहिए यानी कि स्प्रिंग अनियन जो होता है, हरा प्याज, उसके सिर्फ आपको पत्तियों की जरूरत होगी, जो डंडियाँ होती हैं उन्हें आप चॉप कर लीजिएगा। अंडा जाएगा, दैट्स एग, ये मेरे पास यहाँ पर 1/2 कप है, ठीक है, 1 अदद अंडा हो गया। चिली सॉस आपको इसके लिए चाहिए होगी, यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है 1 टेबलस्पून जितना। उसके बाद इसमें आप डालेंगे ऑयस्टर सॉस या फिश सॉस, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑयस्टर सॉस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि मेरे पास फिश सॉस आज नहीं थी। तो 1 टेबलस्पून भरकर डार्क सोया सॉस, अच्छी ब्रांड का लीजिएगा, ये आपको चाहिए 2 टेबलस्पून भरकर। सिरका, दैट्स विनेगर, वो आपको चाहिए 1 टेबलस्पून भरकर। सॉल्ट एंड पेपर, नमक, अगर आप यखनी खुद बना रहे हैं चिकन की हड्डियों के साथ में तब आप नमक को कम ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं, अगर आप उसको बना रहे हैं नोर की क्यूब्स के साथ तो फिर नमक आप कम डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक इसको चेक कर लीजिएगा। ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून जितनी। तो ये होगी तमाम चीज़ें और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको अपने बनाना किस तरह है। यहाँ पर आप देख लें मैंने 2 टेबलस्पून जितना तेल डाला है बीच में, और इसमें अब आप ऐड कर देंगे जो कि चिकन की स्ट्रिप्स हैं और इसको अच्छी तरह यहाँ पर फ्राई कर लें, यहाँ तक कि चिकन पानी छोड़ेगा और खुद अपना कलर छोड़े जो है पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा और कम्प्लीटली डन हो जाना चाहिए। तो ये चिकन को अच्छे से यहाँ पर कुक कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें चिकन यहाँ पर जो है परफेक्टली हो गया, इसमें आप ऐड करेंगे जो कि प्रॉन्स थे और इसके साथ ही हम इसमें मशरूम भी ऐड कर देंगे, क्योंकि जो प्रॉन्स श्रिम्प्स होते हैं उन्हें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 से 4 मिनट काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम जो है मैंने हाई पर कर दी हुई है और जब ये डन हो जाते हैं, प्रॉन्स को पता है इसकी पहचान नहीं होती कि ये वाइट सा हो जाता है, तो ये कर लेने के साथ ही इसमें मशरूम डाल देते हैं। उसकी वजह कुछ यूँ है कि मशरूम काफ़ी पानी छोड़ता है, मैंने ऑल्दो इसमें जो कैन का इस्तेमाल करी थी पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से कुक होने दें और फिर आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए परफेक्टली डन हो गया। अब यहाँ पर जो है हम ऐड करेंगे जो कि स्टॉक थी चिकन की, ये चली गई बीच में। अब यहाँ से कुकिंग बहुत जल्दी होती है। ये कर लेने के बाद इसमें हम डाल देते हैं जो कि है सिरका, डार्क सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस, नमक, काली मिर्चों का पाउडर। इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे आप ऐड कर देंगे जो कि बंद गोभी है। इवन तो हमने इसको काफ़ी छोटा छोटा चॉप कर रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। और ये देख लें गाजर भी इसी के से आपने छोटी छोटी काटनी है। ये कर लिया, इसको अच्छे से मिक्स करें और इसका जो है एक जोश का वेट कीजिएगा, फ्लेम हाई पर रखें और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें यहाँ पर जो है इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गया। आप फ्लेम को ले जाएंगे मीडियम पर रख लें और 2 से 3 मिनट के इसको अच्छे से यहाँ पे जो है हम यहाँ पर कुक कर लेंगे सूप को। उसमें ये है कि जो कैरेट्स हैं और कैबेज वो भी अच्छे से हो जाएंगी। नॉट फॉरगेटिंग हमने इसको अच्छी तरह फाइनली चॉप किया और ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट दे देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जो कि कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है। मिक्सचर की जगह अच्छे इसको मिक्स कर लें ताकि ये है कि उसमें कोई लम्ब्स ना हो। देखिए इसमें आप आहिस्ता इसको डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएं जब तक अच्छे से थिकनेस की तरफ आ जाए, और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। अभी आ गया गाढ़ेपन की तरफ। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी, काफ़ी बहनें और बच्ची इसकी कंप्लेन करती हैं कि जब वो सूप बनाती हैं तो बाद में वो पतला हो जाता है। लेकिन चाइनीज़ की जो रेसिपी होती है उसमें होता है कि गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। जब आप सूप भी इस तरह का बना रहे हों या कोई भी सूप बना रहे हों तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप सर्व करने वाले हों उस वक्त आप जो है इसके अंदर में कॉर्नफ्लोर ऐड करें, तो ये परफेक्टली अपनी जो है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक रहती है। ठीक है, अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि स्प्रिंग अनियंस हैं, थोड़े से मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए। इसको बीच में मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम यहाँ पर मैंने बिल्कुल मीडियम और हाई के दरमियान में रखी हुई है। ये देख लें इसकी थिकनेस, आप अपने पसंद के मुताबिक जो है इसको गाढ़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। उसके बाद जो अंडा है आप इसको सिंपली फेंटेंगे और आपने इसको इसी के से बीच में जो है आप स्प्रेड कर देते हैं, और जैसे ये खुद ब खुद कुक होगा ये खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसका थोड़ा वेट करते हैं फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। देख लें मैंने बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाया अंडा डालने के बाद, तो ये खुद ब खुद जो है ऊपर आना शुरू हो गया। अब आप जो है हल्का सा इसमें ये देखें ठीक हो गया परफेक्टली। वरना फिर होता है कि जो ये सूप होता है ये काफ़ी वो गदला गदला सो जाता है। अभी देख लें बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह आपको दिखेगा। इसके अंदर जो है एग परफेक्टली ऊपर है और आपका जो सूप का कलर है वो भी फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसे आप कर लेते हैं डिश आउट। इस तरह बनता है जी 19B सूप, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में होती है आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whichiscookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी जो कि फ्री है वो डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।